इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर x का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल i है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर x। अब इसे सरल करने के लिए हम अंश व हर में कॉस स्क्वायर x से भाग दे देंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x dx अपॉन a sec स्क्वायर x प्लस b। त्रिकोणमिति सर्वसमिका का उपयोग करके हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आगे समाकल हमें मिलेगा या इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x dx अपॉन a इंटू tan स्क्वायर x प्लस a tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस b। आगे सरल करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आगे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x dx अपॉन a tan स्क्वायर x प्लस a प्लस b। अब समाकलन को सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, और प्रतिस्थापन करेंगे कि माना a tan x इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन a। इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो यहां पर जो समाकलन जिस राशि का समाकलन ज्ञात करना है वह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के रूप में है, और इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, सूत्र का उपयोग करके सीधे हम इसे सरल कर पाएंगे। इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल i है, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर x। पूर्व प्रश्न में जिस प्रकार हमने सरल किया था कि अंश और हर को cos स्क्वायर x से भाग दे करके हमने सरल किया था, तो उसी प्रकार यहां पर भी हम सरल करेंगे। तो आगे हमें वह पद मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x dx अपॉन a इंटू sec स्क्वायर x प्लस b इंटू tan स्क्वायर x। तो जैसा कि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, तो उसका उपयोग करके हम आगे इसको और सरल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x dx अपॉन a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू tan स्क्वायर x। इसे भी सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और tan x इक्वल टू t लेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b देन t स्क्वायर। तो यहां पर यह जो राशि हमें मिल रही है ये इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में है, सीधे हम सूत्र का उपयोग करके इसका समाकलन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल i है, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। हर में जो राशि दिखाई दे रही है a sin x प्लस b cos x, इसको सरल करने के लिए sin x और cos x के गुणांक हैं a और b, दोनों के वर्गों का योगफल निकाल करके उसके वर्गमूल से हम भाग देंगे, तो इस प्रकार यह जो राशि है ये साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए प्लस बी या फिर साइन ऑफ ए माइनस बी या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन चारों में से किसी एक रूप में रूपांतरित हो जाएगा और फिर हम उसको सरल कर लेंगे। तो इस प्रकार यहां पर हम वर्गमूल ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम भाग देंगे अंश और हर को, तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब माना कि कॉस अल्फा इक्वल टू है ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे यह स्पष्ट है कि टेन अल्फा यदि हम कैलकुलेट करें tan अल्फा मिलेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा से,
तो इस प्रकार tan अल्फा इक्वल टू हमें मिल रहा है b अपॉन a, तो अल्फा का मान हमें मिल जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। इन मानों को हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन cos अल्फा इनटू sin x प्लस sin अल्फा इनटू cos x। हर में जो राशि दिखाई दे रही है ये साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म पर है, यहां पर हमें मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अब वन अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा को हम सरल करके लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस अल्फा। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन कोसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। और आपको पता है कि कोसेक एक्स का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं या क्या होता है, तो आगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन टू। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था अल्फा, अल्फा का मान है tan इनवर्स b अपॉन a, यह मान हम यहां पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ x प्लस tan इनवर्स b बाई a होल अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल i है, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार के समाकल को सरल करने के लिए हम अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं जैसा कि पूर्व प्रश्न में हमने किया था। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार सरल करने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब हर से यदि ए स्क्वायर को हम उभयनिष्ठ निकाल लें तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। आगे इसको सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और हम रखेंगे tan x इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलेगा I इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब चूंकि यह जो राशि दिखाई दे रही है समाकलन के अंदर ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है और उसका समाकलन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो सूत्र का उपयोग करके हम इसे सरल करेंगे और हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन बी अपॉन ए। सरल करने पर मिल जाएगा 1 अपॉन ए बी इंटू टेन इनवर्स ए टी अपॉन बी। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था tan x इक्वल टू टी वह मान हम यहां पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन ए बी इंटू टेन इनवर्स ऑफ ए टेन एक्स अपॉन बी। तो इस प्रकार हम दिए गए फलन या इस प्रकार के दिए गए फलनों का हम समाकल इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 1 अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर x। हम मान करके चलते हैं कि माना दिए गए फलन का समाकलन i है, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। थक चुके हैं जहां पर हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जैक्टली हमने हल नहीं किया है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अंश और हर में या तो आप सेक स्क्वायर तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
एज यू नो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, पुट कर देंगे तो जाएगा सेक टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू तो इस प्रकार के प्रश्न हमने हल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो हमें मिलता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 अपॉन a के स्थान पर है 2 और x के स्थान पर है t, 1 अपॉन 2 फिर tan इनवर्स x अर्थात t अपॉन a प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब आगे जब t का मान मूल मान आप रख देंगे तो मिल जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स tan x अपॉन 2 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इस कॉस दोनों फल पर आप लिख सकते और cos x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब हम sec अपॉन 6 tan x by प्लस 1 tan स्क्वायर, अब यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना tan x इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो tan x बाई 2 का मिल जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई 2 और फिर x के लिए आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 टाइम्स dt हमें मिल जाएगा अपॉन 6t प्लस 4 टू 1 माइनस t स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 6 है और यहां पर 4 है और अंश में 2 है या 2 है, तो यहां से हर में से 2 उभयनिष्ठ निकाल करके हम कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dt अपॉन, ये आपको मिल जाएगा 3t प्लस यहाँ पे आएगा 2, तो 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 2 टी स्क्वायर, ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब यदि आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो मिल जाएगा माइनस डी टी जाएगा 1 बाई 2 पहला पद टी स्क्वायर, फिर माइनस 3 बाई 2 टी और फिर माइनस 1। अब हर में जो राशि हमें मिली है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और फिर आगे इसे हम सरल कर पाएंगे। तो ये मिल जाएगा माइनस 1 बाई 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर
दो एकम दो और दो दूनी चार, तो मिल जाएगा 3/2 और ये टी और ये ऋण चिन्ह है। तो यदि देखा जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो ये टी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी के फॉर्म में आएगा, तो ये तो ए हो गया, तो ये 3/4, तो हमें बी का स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, तो बी अर्थात 3/4, 3/4 का वर्ग मिल जाएगा 9/16, हम जोड़ देंगे और 9/16 हम घटा देंगे। तो यहाँ से लेकर का यहाँ तक का जो पद, ये आपको पूर्ण वर्ग इसका उपयोग करेंगे और इसका हम समाकलन लिखेंगे। तो ये -1/2 पहले से है, फिर 1/2a एक स्थान पर है 5/4, ये हो गया 5/4, और फिर log ऑफ x माइनस a, x के स्थान पर है t माइनस 3/4 और x के स्थान पर है t माइनस 3/4 और a के स्थान पर है 5/4, तो ये मिल जाएगा -5/4, फिर से t माइनस 3/4 और फिर +5/4 और प्लस c करें 2 × 2 = 4, ये और 4, ये और 4 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा -1/5 और फिर log, इसको सरल करेंगे तो 5 - 5 - 3 - 8/4, तो मिल जाएगा 2, तो इसे आप लिखेंगे t माइनस 2 और 5 - 3 करेंगे तो मिल जाएगा 2, तो 2/4 = 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2, तो इसे लिखेंगे t माइनस 2/2t - 1। या फिर इसे सॉल्व ना करके हम लिखेंगे टी प्लस 1/2 + c। अब आगे -1/5 उसके बाद लॉग है, तो आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि लॉग m का पावर n इक्वल टू n लॉग m हो जाता है। तो ये माइनस चिन्ह को जब लॉग के पद के ऊपर लगाएंगे तो माइनस वन आएगा, और उसे धनात्मक घात में बदलने के लिए हम अंश को हर में और हर को अंश में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा माइनस की जगह में मिल जाएगा प्लस 1/5 लॉग टी प्लस 1/2 / t - 2 प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। अब आगे लिखेंगे 1/5 लॉग, ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2t + 1, और वो 2 नीचे हर में ले आएंगे तो 2t - 4 और प्लस c1। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था tan x/2 = t, वो मान यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/5 log 2 × tan x/2 + 1/2 tan x/2 - 1 माइनस 4 प्लस सी। अगला फलन दिया गया है sec x / a + b tan x, माना i = sec x (sec x dx) / a + b tan x है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम tan x के स्थान पर sin x / cos x रख सकते हैं और a और b को हम प्रतिस्थापित करेंगे। tan x को हम लिखेंगे sin x / cos x, a इक्वल टू r साइन अल्फा और b इक्वल टू r cos अल्फा। यदि आप दोनों का अनुपात ले लें a / b का, तो sin x / cos x
आपको मिल जाएगा टेन एक्स। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ए बाई बी, या फिर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी। तो ये जो मान है या प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इन सारे मानों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और आगे सरल करते हैं। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स, तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ए के स्थान पर हम रख रहे हैं आर साइन अल्फा, ये मिल जाएगा आर साइन अल्फा। बी के स्थान पर आर कॉस अल्फा, और टेन एक्स के स्थान पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सरल करेंगे, ये डी एक्स कॉस एक्स और यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इंटू साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस आर कॉस अल्फा साइन एक्स। ये कॉस एक्स अंश में चला जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स मिल जाएगा वन। जैसे ये इस रूप में रूपांतरित हो चुका है, तो आगे हम देख पा रहे हैं कि हर में जो राशि है उसमें r को हम उपनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा 1 बाई आर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। तो अगर आपको याद हो कि ये साइन ऑफ a प्लस बी के फार्मूले में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू 1 बाई आर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आप दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने रख दिया आर का मान। अब डी एक्स अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन कोसेक ऑफ अल्फा प्लस एक्स डी एक्स। स्क्वायर लॉग ऑफ टू प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो दिए गए फलन का समाकलन आई ये हमें प्राप्त हो रहा है वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग टेन ऑफ वन बाई टू, देन हम ब्रैकेट में लिखेंगे टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स अपॉन वन प्लस सी। तो ये हमें मिल चुका है आई इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग ऑफ टेन वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स प्लस सी। प्रश्न दिया गया है कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स, इस फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो इस फलन का समाकलन ज्ञात करने के पहले हम इसे साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी या कॉस ऑफ ए प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। करना ये है कि साइन एक्स का जो गुणांक है कोफिशियंट है और कॉस एक्स का जो कोफिशियंट है, इन दोनों के गुणांकों के वर्गों का योग निकाल लेते हैं। इसका गुणांक एक है, एक का वर्ग एक और वर्गमूल तीन है, इसका वर्ग मिल जाएगा तीन। एक और तीन को जोड़ देंगे मिल जाएगा चार, और फिर उस राशि का लिख देंगे वर्गमूल, तो चार का वर्गमूल आएगा दो। तो इसके लिए एक बटे दो से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो एक बटे दो साइन एक्स प्लस वर्गमूल तीन बटे दो कॉस। सकते हैं ये वन बाई टू, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं वन बाई टू जो अंश में है, फिर वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई थ्री। तो आगे हमें मिल जाएगा इक्वल टू वन बाई टू वन अपॉन
साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री। इक्वल टू वन बाई टू कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री, चूंकि वन बाई साइन कोसेक होता है। तो इस फलन को सरल करके हमने ये लाया है। अब माना कि दिए गए फलन का समाकलन I है, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स। तो इसे हम आगे लिख पाएंगे इंटीग्रेशन डी एक्स वन बाई टू, तो वन बाई टू को हम पहले बाहर में लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन साइन कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री डी एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम आगे लिखेंगे कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू होता है। तो यहां पर एक्स के स्थान पर है एक्स बाई टू, और तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू। तो यहां पर हमें मिल जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई सिक्स प्लस सी, जहां पर सी समाकलनीयतांक है। तो इस प्रकार हम इसे आगे लिख पाएंगे वन बाई टू लॉग टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई सिक्स, और ये इस दिए गए फलन का समाकलन है।